Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change. बजट भाई बिल्कुल बेकार, किसान के कोई हित में नहीं है ना जी। किसान के लिए बजट में कुछ नहीं है। पहला कर्ज तो हम पे दिया नहीं जा रहा, आगे हम कर्ज ले लेंगे तो कहाँ से देंगे? इसका मतलब हमारी खेती जाएगी। और दो साल हो जाते हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं होता, और सरकार इससे ज्यादा किसान विरोधी क्या होगी? The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase. इससे उम्मीद थी, सबसे यही उम्मीद थी बजट से, वहाँ कुछ बढ़ाएंगे, ये किसान के लिए कुछ देंगे, बिजली के बिल कुछ कम करेंगे, लेकिन एज इट इज रहा जैसा था। तो मोदी का कहना है कि तुम जिस किसान को 1 लाख रुपए कर्ज मिल रहा है, 5 लाख रुपए कर्ज दूंगा। पहला कर्ज तो हम पे दिया नहीं जा रहा, आगे हम कर्ज ले लेंगे तो कहाँ से देंगे? इसका मतलब हमारी खेती जाएगी। 10-12 किस्म की फसल करते हैं हम, लेकिन न्यूनतम मूल्य जो है तो गेहूँ का और धान का है, जिसमें धान भी जो 1800-1700 रुपये करीब था, नहीं खरीद पाई गवर्नमेंट, जो हमने 1000 रुपये क्विंटल बेचना पड़ा। सबसे बड़ी उम्मीद थी ये समझौता हो जावे, ये किसान लोग लाखों लोग पड़े सड़क पे, अपने घर जावें, सरकार राजी खुशी अपना काम करे, हम अपना खेत संभालें। उम्मीद तो बहुत थी बजट से, भाई किसान के लिए कुछ होगा, कानून वापिस होगा। यू बजट में भी वो था भाई, बिल बल बिजलियों के बिल कम हो, डीजल पर सब्सिडी मिले, तो यही है किसान की। और ये कानून वापस हो। MSP पर उम्मीद तो थी, पर MSP की गारंटी दे सरकार, इस पर कानून बनावे। बजट से हमें उम्मीद थी कि जो है डीजल पर किसानों के लिए रेट कम होगा, जो कीटनाशक दवाइयाँ उनके रेट कम होंगे, फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। 4 साल हो गए, अभी तक गन्ने का पेमेंट मूल्य नहीं बढ़ाया इन सरकार ने। मगर जब हमने ये सरकार चुनी थी, हमें उम्मीद थी कि जो है 15 दिन के अंदर अंदर ये गन्ने का पेमेंट करवाएंगे, और 2-2 साल हो जाते हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं होता, और सरकार इससे ज्यादा किसान विरोधी क्या होगी? अब किसान 70 दिन से धरने पे है, 145-40 किसानों की जो शहादत भी दे चुके हैं, तो इससे ज्यादा और हमारी क्या कुर्बानी लेगी सरकार? और देश का प्रधानमंत्री किसानों के सम्मान में एक शब्द नहीं बोला, कितने दुख की बात है। बजट भाई बिल्कुल बेकार, किसान के कोई हित में नहीं है, इसमें किसान के लिए कुछ नहीं है। किसान ने तो अपनी फसल के रुपये चाह भाई, MSP पर रुपये बढ़ाया दो, गन्ने पर बढ़ाया दो, हमारे पे तो कुछ बढ़ाया तो है नहीं। के बजट है कुछ नहीं है, पेमेंट दो टाइम पर, हमें और कुछ नहीं जाता, हमें कोई खरात नहीं जाती किसी की, हमें तो अपने रुपये चाह, अपनी फसल के चाह, हमें किसी पे तो कुछ नहीं लेना। तो सरकार से तो सब बजट में अब की बार किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन सब बेकार कर दिया, क्योंकि जैसे बजट पेश हुआ है, बजट का वो बनना था और धरना चल रहा था लोग किसानों का, तो उसमें लेके किसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को फायदा करना चाहिए था, लेकिन सब पूरा बजट इन्होंने बेकार बनाया है। ना तो किसान को बिजली पर कोई सुविधा दी है, ना तेल की कोई सुविधा दी है, तेल भी डीजल के भी रेट बढ़ा दिए हैं। MSP में तो कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। MSP पर तो जैसे धरने पर बैठे थे, तो इनको कर देना चाहिए था आपके बजट में, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फायदा पहुँचाना चाहिए था, क्योंकि जो किसान बैठे हैं उन्हें कम से कम उसमें कानून में कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, बजट में इन्हें फायदा दिखाई दे जाता। देखो हमारे यहाँ पे बजट के बारे में, मैं यहाँ पे हूँ काफी दिन से, अभी भी नेट बंद है यहाँ पे, मुझे ज्यादा नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि पहली बार से अभी 10,000 पता नहीं कितना करोड़ रुपया कम कर दिया है किसान बजट में। और उस बजट से जो ये किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें भी दिन पे दिन घटाती जा रही है सरकार। पहले कुछ किसान थे, अब कुछ और घटा दिए। अभी 2-3 मेरे चाचा ताऊ हैं, उनके पैसे नहीं आ रहे, कभी कह देते हैं कि खाते गलत हैं, कभी कह देते हैं कि इसका नाम गलत है, बैंक खाता गलत है। ये हमको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है सरकार।